बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी एक बंगाली आध्यात्मिक गुरु और योगी थे जिन्हें प्राच्य दर्शन के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में से एक माना जाता है। लोकनाथ का जन्म जन्माष्टमी के दिन 1730 में बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामनारायण घोषाल और मां का नाम कमला देवी था। लोकनाथ उनके चार बच्चों में सबसे छोटे थे। जैसा कि उनके समय की परंपरा थी, उनके माता पिता ने अपने एक पुत्र को संन्यास पर भेजने का वचन दिया था। जब वे 10 वर्ष के थे तब लोकनाथ के पिता ने पंडित भगवान गांगुली से अपने बेटे के शिक्षक बनने के लिए संपर्क किया। भगवान गांगुली एक स्थानीय गृहस्थ योगी थे। भगवान गांगुली ने तुरंत युवा लोकनाथ में देवत्व की क्षमता देखी और उन्हें अपने शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। लोकनाथ ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और इसके तुरंत बाद भगवान गांगुली के साथ अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण शुरू किया। उनके साथ उनके आध्यात्मिक अभियान में उनके मित्र बेनी माधव भी थे। धार्मिक जगत के क्षेत्र में श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा का नाम उन संतों में सर्वोच्च सम्मान रखता है जिन्होंने जीवन की मुक्ति के लिए अपने शरीर और मन को महान दृढ़ता की वेदी पर बलिदान कर दिया। इस महान संत के वंशज भारत के बारासात चाकला में पश्चिम बंगाल प्रांत के निवासी थे। लोकनाथ के पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने हमेशा एक महत्वाकांक्षा को संजोया कि उनका एक पुत्र साधु होगा जो उनकी पीढ़ी के साथ साथ मानव जाति को भी बचाएगा। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो उन्होंने अपना प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन पत्नी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और हर बार पूछने पर उनकी पत्नी की ओर से वही नकारात्मक शब्द आया। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति को सूचित किया कि वह इस पुत्र को ले सकते हैं और उन्हें जिस तरह से पसंद हो अपने पुत्र का नेतृत्व कर सकते हैं। इस पर लोकनाथ के पिता का हृदय खुशी से उछल पड़ा और बिना किसी देरी के वह तुरंत बारासात में हिंदू धर्म के तत्कालीन महान विद्वान भगवान गांगुली के घर गए और उन्हें सूचित किया कि वह अपने पुत्र को उनके पास देना चाहते हैं। तब भगवान गांगुली ने उनके पुत्र को लोकनाथ नाम दिया जो उन्हें साधु जीवन प्रदान करने के लिए था। भगवान गांगुली धर्म ज्ञान की पंक्ति में थे। धर्म का अध्ययन करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्मयोग का अभ्यास करने से जीवन का महान मोक्ष धार्मिक आचरण के नियम के अनुसार कर्मयोग का अभ्यास करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान गांगुली ज्ञान योग में वफादार थे लेकिन कर्मयोग में नहीं। यद्यपि धर्म का सिद्धांत झूठा नहीं है, फिर भी उनकी ओर से यह संभव नहीं है कि उन्होंने स्वयं अभ्यास करके वास्तविक सत्य को प्राप्त किया हो, क्योंकि उस समय वह 60 वर्ष के थे। तब उन्हें लगा कि यह महान अवसर ईश्वर की ओर से आया है, इसलिए इस तथ्य को अपने शिष्य को इस पंक्ति में अर्थात कर्मयोग में नेतृत्व करके सिद्ध किया जाए। उन्होंने एक बार लोकनाथ के पिता से कहा कि वह उनके पुत्र को कर्मयोग की पंक्ति में ले जाएंगे ताकि वह भिक्षु जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। नियत दिन पर लोकनाथ का उनके गांव से प्रस्थान निकट आ गया। उस गांव में बेनी माधव गांगुली नाम का एक लड़का था जो बाबा लोकनाथ का मित्र था। वह उनका सहपाठी बनना चाहता था। बेनी माधव के माता पिता ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बेनी माधव अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ था। अंत में उसके माता पिता उसे जाने देने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सभी स्त्री पुरुषों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से लोकनाथ को विदा दी। फिर 11 साल के दो लड़कों के साथ भगवान गांगुली कोलकाता के कालीघाट के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने जंगल में शरण ली जहां बहुत सारे भिक्षुओं ने योग का अभ्यास किया था। अब दोनों अपने गुरु के निर्देशन में जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु भगवान गांगुली उन दोनों के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए पास के गांव में जाते थे और दोनों लड़कों को खाना खिलाते थे। गुरु ने उन्हें ऐसी जगह बिठाया था जहां वे बिना किसी हलचल के योग का अभ्यास करते थे।
वे मूर्ति की स्थिति में एक स्थान पर बैठे रहते थे और दिशा के क्रम में योग की प्रक्रिया का अभ्यास करते थे। गुरु भगवान गांगुली उनके मल और मूत्र को अपने हाथों से साफ कर देते थे ताकि योग के अभ्यास में कोई बाधा न आए। ऐसा गुरु आज के समय में मिलना दुर्लभ है। दोनों लड़कों ने अपने गुरु के सामने खुद को पूरी तरह समर्पण कर दिया। भगवान गांगुली ने भी धर्म की प्रवृत्ति के अनुसार उनका नेतृत्व किया। योग में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए योग के अभ्यास में अपने शरीर में संतुलन बनाने के लिए गुरुदेव ने उन्हें नोक्ता व्रत का अभ्यास कराया, जिसका अर्थ है पूरे दिन भूखा रहना और रात में हल्का भोजन करना। इस भोजन में दूध और तिल होता था। यह आहार उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक किया। एक बार लोकनाथ ने गुरुदेव से बातचीत के माध्यम से कहा कि वे धर्म के ज्ञान के बिना भिक्षु थे। इस पर गुरुदेव ने उनसे कहा कि योग के अभ्यास से उनमें धर्म की शिक्षा का संचार होगा। इसके बाद अगले 3 दशकों तक बाबा लोकनाथ ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई दूरस्थ स्थानों में योग के विभिन्न विद्यालयों में गहन प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या की जीवन शैली अपनाई और ब्रह्मचर्य की कसम खाई और लंबे समय तक उपवास किया। अंतत उन्होंने 1820 में 90 वर्ष की आयु में हिमालय में ज्ञानोदय प्राप्त किया। उनके गुरु अभी भी जीवित थे और उस समय 150 वर्ष के थे। कहा जाता है कि आत्मज्ञान के बाद उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की पैदल यात्रा की। आस्था और धर्म की संकीर्ण सीमाओं को पार करने के बाद उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म के कई पवित्र स्थलों का दौरा किया। इसमें मक्का की 3 यात्राएं और अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों के दौरे शामिल थे। उनके गुरु ने उन्हें अकांतारा व्रत भी कराया था, जिसका अर्थ है पिछले दिन को छोड़कर और अगले दिन के बाद भोजन करना। इस व्रत की प्रक्रिया में विस्तार विषयगत प्रकृति है, यानी 2 दिन बाद अगले दिन का भोजन करना। इस क्रिया में लोकनाथ को 2 बार में उत्तराधिकार मिला, लेकिन बेनी माधव एक और नहीं कर सके। इस विधि का योगाभ्यास के साथ अभ्यास करने पर लोकनाथ ने उनकी स्मृति में अपना पिछला जन्म अंकित किया और अपने गुरुदेव को तथ्यों और आंकड़ों का वर्णन किया। यह सुनकर गुरुदेव ने कलम और स्याही का घड़ा लिया और अपनी स्मृति में जो कुछ पाया उसका विवरण लिख दिया। लोकनाथ का जन्म दामोदर नदी के किनारे बर्दवान जिले में सीतानाथ के नाम पर बंद्योपाध्याय परिवार में हुआ था और बर्दवान जाने पर उन्हें इसका सबूत भी मिल गया। फिर उन्होंने हिमालय पर्वत के लिए प्रस्थान किया और ध्यान के लिए एक स्थान का चयन किया। वहां उन्होंने गहरी एकाग्रता के साथ योग का अभ्यास किया। हिमालय जाने से पहले गुरुदेव ने उनके तन और मन की जांच की। उनके शरीर और मन की जांच करने के लिए उन्होंने उन्हें ऐसी जगह बैठाया जहां कीड़े और चींटियां उन्हें काटती थीं, लेकिन यह पाया गया कि उनका ध्यान कीड़े और चींटियां काटने के बावजूद भी नहीं टूटा। और उनकी मन की एकाग्रता की जांच करने के लिए गुरुदेव ने उन्हें एक लोकप्रिय क्षेत्र में बैठाया जहां तरह तरह के शोर उनके मन की शांति को भंग कर देते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका ध्यान पहले जैसा ही था। हालांकि हिमालय पर्वत में उनके योग के अंतिम अभ्यास ने उन्हें वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाया। उन्हें आनंद की दिव्य अनुभूति और मोक्ष में सफलता प्राप्त हुई। धर्म के उच्च पद पर पहुंचने पर लोकनाथ अपने गुरुदेव भगवान गांगुली की दयनीय स्थिति देखकर रो पड़े। वे सांसारिक मामलों में उलझे हुए थे। गुरुदेव ने लोकनाथ से कहा कि वह मोक्ष के लिए ज्ञान के मार्ग में वफादार थे, लेकिन कर्मयोग में नहीं। तो उन्होंने लोकनाथ से कहा कि वह तुरंत योग द्वारा अपना शरीर छोड़ देंगे और नया जन्म लेंगे।
फिर उन्होंने बाबा लोकनाथ को उनकी प्रोत्साहन देखभाल के तहत उनकी मुक्ति की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कर्मयोग में जब दोनों बालकों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 100 वर्ष थी। मोक्ष की प्राप्ति के बाद बाबा लोकनाथ, बेनी माधव और गुरुदेव ने इस्लाम के पवित्र स्थान पर तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया और पवित्र कुरान सीखने के लिए एक अनुभवी बुद्धिमान व्यक्ति यानी एलेम के अधीन शिक्षुता की इच्छा जताई। वे मक्का के लिए पैदल चल पड़े। सबसे पहले वे काबुल पहुंचे और कुरान सीखना शुरू किया। वे मक्का पहुंचे और फिर मदीना गए। वे अब्दुल गफूर नाम के एक पीर से मिले जो गुप्त गुफा में रहते थे और 400 साल के थे। बाबा लोकनाथ के सदाचारी जीवन ने इस्लाम के आंतरिक महत्व को महसूस किया और धर्म की सार्वभौमिक भूमिका का सत्य प्राप्त किया। शब्दों के बाद उन्होंने बारात प्रथम में अपनी सच्चाई की भावना को उजागर किया। उनके उद्देश्य से उनकी शिक्षा इसके दायरे में सार्वभौमिक थी और गैर सांप्रदायिक थी, जिसने उन्हें सभी जातियों और पंथों के लिए स्वीकार्य बना दिया। उसके बाद वे बनारस गए, जहां वे त्रिलंग स्वामी से मिले, जिन्हें काशी के भगवान शिव के रूप में जाना जाता था। भगवान गांगुली ने उनसे लोकनाथ और बेनी माधव को अपने हाथ से लेने और अपनी इच्छा के अनुसार उनका नेतृत्व करने का अनुरोध किया। त्रिलंग स्वामी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और उन्हें प्राप्त किया। एक बार गुरुदेव भगवान गांगुली ने काशी के मणिकर्णिका घाट में स्नान किया और ध्यान किया। बहुत समय बीत जाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को छुआ, उनका शरीर जमीन पर गिर गया। इस पर बाबा लोकनाथ को एहसास हुआ कि उनके गुरुदेव ने अंतिम सांस ली है। वह इसके लिए नहीं रोए। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार का काम पूरा किया। गुरुदेव की मृत्यु के बाद विश्व भ्रमण की बाबा लोकनाथ के मन में एक बड़ी इच्छा उठी। ब्रह्मांड के शाश्वत ज्ञान के अंत तक पहुंचने पर उन्होंने महसूस किया कि भौतिक वस्तु उनके लिए कम मूल्यवान नहीं है, तो प्रकृति की बहुमुखी उपस्थिति, इसकी आंतरिक सुंदरता और विभिन्न देशों के पुरुषों ने उनके मन को आकर्षित किया और परिणामस्वरूप उन्होंने बेनी माधव और त्रिलंग स्वामी के साथ विश्व भ्रमण के लिए शुरुआत की। लगभग इतने साल पैदल चलकर उन्होंने मक्का, मदीना और फिलिस्तीन और पश्चिम में यात्रा की, भूमध्य सागर का पूर्वी तट और उन्होंने फ्रांस में भी यात्रा की। यह सबूत तब सामने आया जब कुछ अंग्रेजों ने उनसे बातचीत की और उन्होंने फ्रांस के कुछ शब्द कहे। अफगानिस्तान, अरब और यूरोप के कई देशों की यात्रा के बाद वह हिमालय के प्राकृतिक सुंदर वातावरण में वापस आ गए। इस बार महायोगी लोकनाथ ने हिमालय के सबसे ऊंचे हिमनदों को पार करने की इच्छा की और इसके उत्तर और पश्चिम में घूमने की भी इच्छा की, इसलिए वे बंदरिका आश्रम में रहते थे जो एक हिमनद है। वहां उन्होंने बेनी माधव के शरीर को उस वातावरण में समायोजित करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। इस समय अचानक त्रिलंग स्वामी वहां उपस्थित हो गए। वह भी इस दौरे में उनके साथ रहना चाहते थे। इस पर बाबा लोकनाथ बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्हें त्रिलंग स्वामी के शरीर को ठंडे और बर्फ से समायोजित करने के लिए वहां 3 साल और इंतजार करना पड़ा। फिर उन्होंने महाप्रस्थान के ऐतिहासिक रास्ते से ध्रुवीय क्षेत्र का अवलोकन करने की दृष्टि से, अर्थात जिस तरह से पंचपाशव हमेशा के लिए शुरू किया था, उसे स्थापित किया। यात्रा के दौरान उनका शरीर पूरी तरह से खुल गया था और उन्होंने हिमालय में नग्न शरीर के साथ समय बिताया। जैसे जैसे वे बर्फ के क्षेत्र में लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत करते रहे, उनके शरीर में बर्फ की तरह सफेद जैसी अद्भुत त्वचा उग आई और उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं होता था। इस तरह चलते चलते वे मानस सरोवर पहुंच गए, लेकिन यह मानस सरोवर तिब्बत में स्थित भौगोलिक क्षेत्र नहीं था। ये मानस दुर्गम स्थान पर सुदूर कोने पर स्थित है।
उस जगह तक पहुंचना आम लोगों के लिए काफी हद तक नामुमकिन है। उन्होंने रूस के पूर्वी साइबेरिया पर हजार और हजार मील की यात्रा की और उत्तरी दिशा में गहरे हो गए। महीनों महीनों से गुजरने के बाद वे ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नदारद हो गई और सब अंधेरे से ढका था। ऐसी स्थिति में उनके लिए अग्रिम रूप से आगे जाना लगभग असंभव था, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए वहां रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां दिन की अवधि 6 महीने और रात की भी अवधि 6 महीने की होती है। वहां रहकर उन्हें अंधेरे में देखने की शक्ति मिली। उनमें लंबे समय से ध्रुवीय क्षेत्र को देखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनकी ओर से सूर्य के उदय और अस्त होने की पहचान करना संभव नहीं था। इस बार त्रैलंगा स्वामी ने उगते सूरज के मार्ग को देखने की कामना की। लोकनाथ और बेनी माधव हिमालय के तिब्बत के रास्ते के लिए चलना शुरू हुए। कुछ दिनों के बाद वे तिब्बत और चीन के माध्यम से हिमालय के उच्च शिखर को पार करने के बाद भारत के पूर्वी कोने की निचली भूमि पर उतरे। अंत में वे चंद्रनाथ की पहाड़ी पर बाघों से भरे जंगल में पहुंचे। एक दिन बेनी माधव ने लोकनाथ से कामाख्या के मंदिर के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। कामाख्या शहर के लिए निर्धारित बेनी माधव और बाबा लोकनाथ ने पूर्वी बंगाल जाने का फैसला किया। बाबा लोकनाथ 1866 में बंगाल लौट आए और ढाका के पास बाराडी में बस गए, जहां उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी और बांस से एक छोटा सा छप्पर बनाया। यह बाद में जीवन भर उनका आश्रम बन गया। भूमि का भूखंड डेंगू कर्मकार द्वारा दान किया गया था, जिसे बाबा ने अतीत में एक दोष सिद्धि से बचाया था। अपने समय के कई अन्य संतों और मनीषियों के विपरीत बाबा कम मिलना पसंद करते थे और किसी भी तरह के प्रचार से बचते थे। फिर भी वह अपनी जाति पंथ या रंग के बावजूद जो भी उनसे मिलने जाता था उसकी मदद करते थे और उसे ठीक करते थे। उनकी ख्याति अनिवार्य रूप से दूर दूर तक फैल गई और बाराडी के आश्रम ने धीरे धीरे दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक दिन बाबा लोकनाथ चटगाम बांग्लादेश में चंद्रनाथ के पहाड़ी इलाकों में बैठे। उन्होंने ध्यान कर रहे एक योगी को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। अचानक सारा जंगल आग से जलने लगा और वह योगी आग से घिर गए। वह योगी थे बिजॉय कृष्ण गोस्वामी। जैसे ही आग तेज होने लगी, जंगल के आसपास के सभी जानवर रोने चिल्लाने के साथ इधर उधर भागने लगे। इस पर योगी का ध्यान टूट गया और उन्होंने उस असहनीय स्थिति से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ नग्न शरीर में लंबे बालों और दाढ़ी वाले साधु उनके सामने आए और एक बच्चे की तरह उनके भारी शरीर को अपने कंधे में ले लिया और अपने माध्यम से आग से बाहर निकलने के लिए वह आगे बढ़ने लगे। गोस्वामी को अपने पूरे शरीर में ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वह सुरक्षित जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और वह भिक्षु उसे निश्चित मृत्यु से बचाते हुए गायब हो गया। बाद में बिजॉय कृष्ण गोस्वामी बाबा लोकनाथ से मिलने बरडी गए। फिर बाबा लोकनाथ ने गोस्वामी का ध्यान चंद्रनाथ की पहाड़ी में हुई घटना की ओर आकर्षित किया और पूछा कि उनकी जान किसके द्वारा बची है। उस समय उस महापुरुष की छवि उसके मन में कौन थी और उसने पाया कि यह वही है जो उनके सामने खड़े हैं। फिर उन्होंने बाबा लोकनाथ के चरण कमलों के नीचे अपना सिर झुका लिया। फिर बाबा लोकनाथ नामित गांव के लिए चले गए। दाऊद कंडी कौमिला बांग्लादेश के जिले में। वहां वह एक ऐसे व्यक्ति से परिचित हुए जिसे हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसका नाम डेंगू कर्मकर था। डेंगू कर्मकर बाबा के पैर पकड़कर रोने लगा और उनसे अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना करने लगा। बाबा लोकनाथ ने मधुर स्वर में उससे कहा कि उसे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।
उसे बिना किसी कारण के रिहा कर दिया जाएगा। अगले दिन वह दरबार में गया और न्यायाधीश की बात सुनकर चकित रह गया। वह अपने प्रभार से मुक्त हो गया। तब डेंगू कर्मकर बाबा लोकनाथ के पास आए और उनसे बाराड़ी जाने का अनुरोध किया। बाबा लोकनाथ ने कहा कि वह बाड़ी की रेत पर उनके गुप्त पद चिन्हों को रखने के लिए तैयार हैं। तब वह डेंगू कर्मकर के घर आए और उसके घर में एक नाव की पीड़ा के नीचे शरण ली। बाबा लोकनाथ एक नग्न संत थे, इसलिए गांव वाले उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाबा लोकनाथ ने मन की सुंदर क्षमा के साथ सभी अपमान सहन किए। बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी थे, वे शाकाहारी थे, वे जीवन भर तन और मन से पवित्र थे, तो उन्हें भगवान के अवतार की शक्ति मिली। अब वह जनता को अपने चरण कमलों के नीचे आकर्षित करने के लिए अपनी कुछ अलौकिक शक्ति का खुलासा करना चाहते थे। कुछ अलौकिक शक्ति दिखाने के बाद उनका नाम और प्रसिद्धि पूरे देश और विदेश में फैल गई। जल्द ही डेंगू कर्मकर की झोपड़ी तीर्थ स्थान में तब्दील हो गई। यहाँ हम डेंगू कर्मकर को भगीरथ और बाबा लोकनाथ को देवी गंगा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो उन्हें अपनी पीढ़ी के साथ साथ सामान्य रूप से मानव जाति को अज्ञानता से बचाने के लिए बाबा को बाराड़ी में लाए थे। हमेशा रहस्य से घिरे रहने वाले बाबा लोकनाथ के निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी चमत्कारी शक्तियों और जादुई क्षमताओं के बारे में कई लोक कथाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि वह 160 वर्षों तक जीवित रहे। बाबा 7 फुट से भी अधिक लंबे थे और बहुत दुबले पतले थे। उच्च हिमालय में दशकों की साधना ने उन्हें बिना किसी गर्म कपड़ों के अत्यधिक ठंडे तापमान को सहन करने की क्षमता प्रदान थी। यह भी कहा जाता है कि अपने बाद के वर्षों में उन्होंने पूरी तरह से सोना छोड़ दिया था और पलक भी नहीं झपकाते थे। बाबा 3 जून 1890 को खुली आंखों से समाधि में गए। वे अपने बाराड़ी आश्रम में अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने शोकग्रस्त भक्तों को सांत्वना देते हुए बाबा ने उनकी मृत्यु के बाद भी और हमेशा के लिए प्रार्थना करने और मदद मांगने वाले के लिए उपलब्ध रहने का वादा किया। उनके प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मोटे तौर पर अनुवादित है। बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि चाहे वह युद्ध में हो या जंगल में या पानी पर, यदि आप कभी भी खतरे में हैं तो मुझे याद रखें और मैं आपको बचाऊंगा। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।